हेलो गाइस, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पे। कंप्यूटर में जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछले सेशन में क्या कवर अप किया था दोस्तों, हमने डायनामिक रैम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और उसके जितने भी उसके टाइप आते हैं वो सारे के सारे हमने कवर अप किए हैं। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप उसको इजिली अटेम्प्ट कर लोगे अगर आपने मेरा वो वाला ट्यूटोरियल देखा है। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आपने रोम के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि रोम जो होती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें रीड ही कर सकते हैं बट हम उसमें राइट नहीं कर सकते। ये एक तरह की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें हमने जो भी डेटा रखा है, जो भी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर की है, वो परमानेंटली वहीं पर ही सेव होकर रहती हैं। इन केस अगर हमारी लाइट स्विच ऑफ हो जाए या पावर कट हो जाए या पावर फेलियर हो जाए तो वो डेटा हमारा इरेज नहीं होता है। ठीक है, इस वाली मेमोरी को जो है वो आप मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर ही क्या कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरर उसको प्रोग्राम कर देते हैं। ठीक है, इसमें हम इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखते हैं, उस डेटा को स्टोर करते रखते हैं जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि हम बूटस्ट्रैप का इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगी अच्छे से। देखो दोस्तों, जो रोम चिप होती है हमारी वो सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं यूज़ होती है, ये हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम में यूज़ होती है, जैसे कि वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप माइक्रोवेव ओवन में टेम्परेचर सेट करते हो या टाइम सेट करते हो तो अब मशीन को कैसे पता कि इसने 2 मिनट बोला है? तो ऑब्वियस सी बात है, उसको इस वजह से पता है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी मेमोरी में उससे रिलेटेड ये डेटा लिखा गया है और जहाँ से वो आपका मशीन जो है उस डेटा को रीड करके वैसा टास्क क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। ये मैंने आपके लिए रोम चिप यहाँ पर मेंशन कर दी है, कहीं आपको कई बार आप कंप्यूटर के हार्डवेयर की शॉप पे या कभी गए तो वहाँ पर आप इजीली इसको देख सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं, ये दिस इज द रोम चिप। ठीक है दोस्तों, अब मैं हम बताते हैं कि हमें रोम की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने कंप्यूटर में माउस लगा दिया, कीबोर्ड लगा दिया, सीपीयू, मॉनिटर, सब चीज़ें मैंने ऐड ऑन कर दिया, स्पीकर्स, सब सब चीज़ें मैंने लगा दी है, बट अब वो चीज़ें चलेंगी कैसे? ठीक है, उन चीज़ों को चलने के लिए क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है, अगर उन चीज़ों को चलने के लिए इंस्ट्रक्शन ही नहीं होंगे या उन चीज़ों को जो प्रोग्राम उनको चलाने के लिए चाहिए होगा वही आपके कंप्यूटर मेमोरी के अंदर नहीं होगा तो वो चीज़ें चलेंगी कैसे? ठीक है, तो उस चीज़ों के लिए हमारे को क्या चाहिए थी, उस चीज़ों के लिए चाहिए थी हमारे को रोम चिप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर बोला है कि ये क्या करती है, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देती है कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये क्या होती है, जो आपका बायस दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, हम क्या बोलते हैं, रोम बायस। ठीक है, तो वो वाले उस स्टोरेज के लिए और उनके ऑपरेशन के लिए भी रोम की बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपकी बूटिंग होती है, तो जो सारे के सारे प्रोग्राम वो उठाती है उस तरह पे, जैसे कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो आपके रोम से ही उठाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता दी है कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस लगा के रखे हैं, प्रिंटर, स्कैनर, तो उनको रीड करना, उनके डेटा को राइट करना, तो ये सारा मैनेजमेंट भी आपका जो होती है वो रोम ही देखती है। ठीक है, क्योंकि रोम के पास ही वो इंस्ट्रक्शन होते हैं सारे के सारे उससे रिलेटेड। अब मैं आपको बताती हूँ कि मदरबोर्ड में आपके रोम की पोजीशन कहाँ होती है। देखो यहाँ पर दोस्तों, यही चिप मैंने आपको पिछली स्लाइड में मेंशन की थी और यही मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मदरबोर्ड की आप एच पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी क्या लगी होती है, रीड ओनली मेमोरी चिप लगी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, अगर ये चिप अगर आपके मदरबोर्ड में नहीं लगी होगी तो आप इसको हटा के देखना, और अगर आपका माउस, कीबोर्ड ये कुछ चीज़ें चल पाए तो नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो इसी में ही होंगे, आपका कंप्यूटर ही ऑन नहीं होगा तो चीज़ें क्या चलेंगी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ। देखो दोस्तों, वेरियस टाइप ऑफ रोम्स कौन सी होती है, एम रोम दैट इज मास्क्ड रोम, प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM erasable and programmable read only memory, EEPROM that is electrically erasable and programmable read only memory। दोस्तों इनकी डेफिनेशन जो होती है वो पेपर में भी पूछी जाती है
और इनके बारे में क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर पेपर में आपसे उठता है, ठीक है। तो चलो हम वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम एम रोम, दैट इज़ मास्क्ड रोम, ठीक है। दोस्तों ये सबसे पहले आपकी जो थी वो रोम्स हमने यूज़ की अपने पुराने डिवाइसेस में, ठीक है। इसका जो जो चिप होती थी ये भी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ आता था, ठीक है। हम बायर्स होते थे उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते थे, एक बार इसमें इंस्ट्रक्शन लिख दिए तो वो लिख दिए, ठीक है। ये वाली रोम जो होती थी ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती थी और इसको अब हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो मास्क्ड रोम, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि बताइए इसमें से कौन सा रोम का टाइप नहीं है, ठीक है, तो कहीं गलती से आप इसको टिक ना कर दें क्योंकि ये तो टाइप है। दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रोम की। प्रोम दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले इसकी चिप देख लो आप, ये मैंने इसकी चिप लगा दी है, आपकी प्रोम की चिप कैसे दिखती है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। पहले मैंने बोला कि आपका जो डेटा होता है वो आपका रोम चिप में क्या होता है कि ऑलरेडी जो होता है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने इसमें क्या कर दिया, डेटा को लिख दिया प्रोग्राम प्रोम में, तो ये वहाँ पर फॉरएवर रहेगा। डिफरेंस बिटवीन प्रोम एंड रोम यही है कि प्रोम जो होती है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा ब्लैंक मेमोरी दी जाती है और उसको क्या कर सकते हैं हम खुद जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। अब क्या करते हैं कि अब मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरर ने क्या कर दिया, जो भी मैन्युफैक्चरर कर रहा है इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसने हमारे को क्या कर दिया, ब्लैंक फॉर्म जो है वो पकड़ा दी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसके ऊपर डेटा लिखना है, ठीक है। फिर मेरे को डेटा लिखने के लिए क्या चाहिए होता है दोस्तों, एक स्पेशल डिवाइस चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोम प्रोग्रामर, ठीक है, और प्रोम बर्नर भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका प्रोसेस होता है जिसमें हम डेटा को प्रोग्राम करते हैं या प्रोम की प्रोग्रामिंग करते हैं, इसको हम बर्निंग ऑफ प्रोम भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप याद ध्यान में रखिएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको मैन्युफैक्चरर जो होता है वो ब्लैंक रोम जो होता है वो देगा और आपने क्या करना है उसको अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर देना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोम प्रोग्रामर और प्रोम बर्नर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं ई प्रोम की, दैट इज़ रेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखियो दोस्तों इसकी कितनी छोटी सी चिप यहाँ पर मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि इरेज भी करना है और प्रोग्राम भी करना है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें अगर हमने इरेज करना है जो भी आपने इसमें डेटा लिखा प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमारे को, अल्ट्रावायलेट लाइट के आगे जो है उसको एक्सपोजर देना पड़ेगा, और कितने टाइम के लिए, 40 मिनट्स के लिए उसको एक्सपोजर देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं कि जो आपका ई प्रोम इरेजर होता है वो इस फंक्शन को क्या करता है, अचीव करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग के टाइम क्या होता है दोस्तों, इसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो ट्रैप हो जाता है आपका इंसुलेटेड गेट रीजन के अंदर, ठीक है, और वो चार्ज जो होता है वो वहीं पर ही टिका रहता है। यहाँ पर 10 ईयर्स का टाइम जो है मैंशन किया गया है क्योंकि चार्ज के लीकेज के लिए कोई भी पाथ वहाँ पर नहीं मिलता है, इसलिए वो वहीं पर ही ट्रैप रहता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस चार्ज को इरेज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सपोजर देना पड़ेगा, कहाँ पर, अल्ट्रावायलेट लाइट का, ठीक है, और किसके थ्रू, दैट इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो, दैट इज लिड, जिसको लिड भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या कर दिया, जब उसको अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर जो है वो हमने एक्सपोजर दे दिया, तो वो क्या करेगा, चार्ज को धीरे धीरे क्या कर देगा, वहाँ से गायब कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कहाँ एक्सपोजर देते हैं हम इसका, अल्ट्रावायलेट लाइट के वहाँ पर इसका एक्सपोजर देते हैं, ठीक है, अगर हमने उसको इरेज करना है। चलते हैं हम फोर्थ की तरफ, दैट इज ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। दोस्तों ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोम होती है जो वहाँ जिसमें हम क्या करते हैं, अपने डेटा को, अपने प्रोग्राम को इरेज करते हैं इलेक्ट्रिकली, ठीक है। कहाँ पर करना है, आपने इसको एक्सपोज करना है इलेक्ट्रिकल चार्ज में, तभी तो इसका नाम इलेक्ट्रिकली हो गया, ठीक है। उसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक चार्ज की हेल्प से ही क्या होगा, उसका डेटा जो होगा वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम इरेज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, फिर से इरेज कर सकते हैं, फिर से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ऐसा ऐसा करते करते हम इसको 10,000 टाइम्स जो है वो ये प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आपने इरेजिंग इरेजिंग और प्रोग्रामिंग करनी है तो इसके लिए टोटल 4 से 10 मिलीसेकंड का जो है वो टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ई प्रोम की, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पर्टिकुलर किसी सिलेक्टिव जो लोकेशन होती है उसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। और हमें ये नहीं है कि हाँ भाई अगर हमने प्रोग्राम करना है तो पूरी की पूरी चिप को ही हमें पहले इरेज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है कि सिलेक्टेड पोर्शन को आपने सिलेक्ट करना, उसको इरेज कर दिया और उसको फिर से प्रोग्राम कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो ई प्रोम होते हैं वो एक बाइट ही एक टाइम पे क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, ठीक है। एंटायर चिप को नहीं इरेज कर सकते, ओनली वन बाइट एट ए टाइम, ठीक है। तो जो प्रोसेस होती है रीप्रोग्रामिंग की, ये फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि आपको पता है जहाँ जहाँ आपने चेंजेस करने हैं वहाँ कर दो, बट क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप इन सबको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम इसके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं। दोस्तों ये नॉन वॉलेटाइल होती है नेचर के अंदर, इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, कि मतलब इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली क्या होता है, सेव रहता है, स्टोर रहता है, चाहे पावर फेलियर हो जाए या मशीन फेलियर कुछ भी, है ना। तो इस तरह से फिर ये कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज्ड। हाँ भाई इसमें अगर देखो जो रोम होती है उसमें तो सेव रहता है, बट अगर आपने चेंज करना हो तो आपको या तो प्रोम बर्नर चाहिए होगा या तो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर उसको एक्सपोजर, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। ये जो होती है वो चीपर होती है आपके रैम के और ईजी टू टेस्ट। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इसमें आपको रीप्रोग्रामिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आपने प्रोग्राम की नहीं ढंग से हुआ तो फिर से आपने उसको रेज कर से फिर से इसको प्रोग्राम कर दिया, ठीक है। मोर रिलायबल देन रैम्स, ठीक है। हाँ दोस्तों ये भी ज़्यादा रिलायबल होती है हमारे रैम से, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ई प्रोम का अगर यूज़ करना है तो आपने देखा होगा कि 10,000 times भी आप उसको क्या कर सकते हो, इरेज करके प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। और इसको ये स्टैटिक होती है, इसको रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और आप कंटेंट जो होता है इसमें वो नोन और वेरीफाइड होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ठीक है। अगर हम वॉलेटाइलिटी की बात करें तो रैम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है, मतलब ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती है अगर कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, ठीक है। और रोम जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब ये कभी इरेज नहीं होती है, चाहे आप शट डाउन ही क्यों ना करते हैं, कंप्यूटर को रिस्टार्ट क्यों ना करते हैं, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो रैम जो होती है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है प्रोसेसर, ठीक है। रोम जो होती है इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या होगा, जो रोम का जो भी डेटा होगा वो ट्रांसफ़र होगा रैम में, फिर वो प्रोसेसर क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना रोम टू रैम और रैम टू प्रोसेसर, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो रैम जो होती है वो आपका टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है। और रोम जो होती है वो आपके स्टोर करती है परमानेंट इन्फॉर्मेशन जो कभी भी डिलीट नहीं होता है। हार्डवेयर स्ट्रक्चर की बात करें तो रैम जो होती है वो फॉर्म ऑफ चिप होती है और रोम जो होती है वो ऑप्टिकल ड्राइवर्स मेड अप ऑफ मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप्स की भी क्या होती है, बनी होती है। कॉस्ट की बात करें तो कॉस्टलियर देन रोम, आपको पता है रैम के बेसिस पे ही आपके फ़ोन की कॉस्ट भी होती है तो कंप्यूटर की भी होती है, तो इसलिए रैम क्या है आपकी महंगी है और ये जो आपकी जो रोम है वो आपकी सस्ती है। साइज़ की बात करें तो चिप का जो साइज़ होता है वो लार्जर होता है रोम से, और चिप का साइज़ रोम का जो होता है वो छोटा होता है, मैंने आपको दिखाया भी है, ठीक है। राइटिंग स्पीड की बात करें तो राइटिंग डेटा टू रैम चिप इज़ फास्टर प्रोसेस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें जो होता है वो प्रोसेस फास्टर होता है, और जिसमें अगर हमने डेटा को लिखना है रोम चिप में तो वो एक स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। अच्छा, आप राइटिंग स्पीड का फ़र्क आप प्रोसेसर के थ्रू लगा सकते हैं कि प्रोसेसर जो है वो जल्दी एक्सेस रैम को करता है और फिर रोम को जाने के पास जाने के लिए उसको पहले रैम पे जाना पड़ेगा फिर देन रोम पे, ठीक है। स्टोरेज लिमिट की बात करें तो रैम चिप जो होती है वो स्टोर करती है मल्टीपल गीगा बाइट्स, ठीक है, दैट इज़ अप टू 16 GB, ठीक है। और अगर हम रोम चिप की बात करें तो इसके सेवरल मेगा बाइट ऑफ डेटा, दैट इज़ अप टू 4 MB, ठीक है।
तो ये आप इस पे ध्यान देंगे। और एग्जांपल जो है वो स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम दो हैं, और इसमें मैंने आपको सारे के सारे बताए, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, ये इसके क्या हैं, सारे के सारे टाइप हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन सच में ही हेल्पफुल लगी है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको रोम का हर चीज़ जो है वो कवर अप किया है, और मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको रोम पढ़ाई है कि अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डेफिनेशन आती है, तो आप उसको ईजिली क्या कर लोगे, कवर अप कर लोगे, और उसको अटेंड भी उस क्वेश्चन को उस मोमेंट पे कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला टॉपिक कभी स्किप मत करना, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर ही आता है आपके पेपर में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।